क्वेश्चन नंबर चार है मेरा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। मेरा ये जो डिस्टेंस दिया है सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट का, वो 5 मीटर है और टेंजेंट मेरी 4 मीटर है। मुझे रेडियस ज्ञात करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो ओपी है परपेंडिकुलर है एपी पर, का अकॉर्डिंग 10.1 थ्योरम। तो मैं, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी ए में ये जो है मेरा 90 का एंगल है, तो ये मेरा हाइपोटेनियस होगा। ओ ए का स्क्वायर पाइथागोरस लगा रहा हूँ, और ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, यहाँ मैं लिख देता हूँ वाई पी पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम वाई। अब मैं देखता हूँ ओ ए मेरा 5 है, ओ पी मुझे ज्ञात करना है, और ए पी मेरा 4 है, 5 का स्क्वायर मेरा 25 होगा बच्चों। ओ पी 4 × 16 प्लस का 16 इधर आएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर ओ पी स्क्वायर, 16 में से बेटे 25 गया तो 9 ओ पी स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, और ओ पी स्क्वायर से स्क्वायर, तो ओ पी बराबर मेरा 3 सेंटीमीटर आएगा। ओ पी मेरी रेडियस है, इस तरीके से मैंने इसको फाइंड कर लिया। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल में होता है सेम टाइप का, यहाँ पर इसको 24 कर देता है और इसको 25 कर देता, तो सेम चलूंगा यहाँ तक, तो मैं बस पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ, बाय पी जी टी, बाय पी जी टी इसको भी कर देता हूँ। बोलो ओ पी ओ ए का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर, सेम सवाल है, और ओ पी ए पी का स्क्वायर, सिंपल है। ओ ए मेरा है 25 का स्क्वायर बच्चों, और ओ पी मेरा है रेडियस, और ये मेरा 24 दिया, 25 का स्क्वायर 625 होता बच्चों, ओ पी का स्क्वायर 576, प्लस का 576 इधर आएगा, तो माइनस का 576 हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर, बेटे इसमें से गया 49 आएगा ओ पी का स्क्वायर, 49 जो होगा 7 का स्क्वायर होगा ओ पी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो ये वाली रेडियस मेरी 7 आ गई। दोनों सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं, कभी ये हमारी बोर्ड एग्जाम में 25 और 24 से आता, कभी 5 और 4 सेंटीमीटर से आता, तो दोनों से कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे सवाल हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।